अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूर गौर से देखनी चाहिए। तो वो वीडियो इस बारे में है कि जो हमारे पास मोबाइल चार्जिंग शो नहीं करते जबकि बैटरी टर्मिनल के ऊपर उनके वोल्टेज आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये मेरे पास एक शॉपकीपर मोबाइल लेकर आया है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी, चार्जिंग शो कराने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें से एक प्रोटोकॉल है आपका जो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू लगाकर जो चार्जिंग जैक के 5 वोल्ट होते हैं उसे 0.5 वोल्ट की लाइन चार्जिंग या पावर आईसी को जाती है, जिससे पावर आईसी चार्जिंग शो कराती है उस पॉइंट को VCDT कहा जाता है, ठीक है, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर VCDT लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें वो भी वर्क कर रही है, ठीक है। तो शॉपकीपर कहता है कि मैं इसके ऊपर सारा काम कर चुका हूँ, उसने इसकी चार्जिंग आईसी भी चेंज की है और चार्जिंग सारा सेक्शन चेंज कर दिया उसने, तो वो कहता है मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। तो अभी इसमें आपको बताता हूँ, बैटरी इंसर्ट करके उसके बाद पावर USB केबल लगाते हैं हम। मैं इसका फॉल्ट ट्रेस कर चुका हूँ और फॉल्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास भी इस तरह का सेट आ जाएगा तो जो आपको समझ नहीं आएगी तो आपने इस तरीके से उसको रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो ये इसकी अपनी बैटरी नहीं है, वो अपनी बैटरी इसकी दे के नहीं गया मुझे, तो वो कहता है मैंने बैटरी भी चेंज करके देख ली। अभी हमने मोबाइल को ऑन कर लिया और ये हमारे पास चार्जर है, चार्जर हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो किसी किस्म की चार्जिंग नहीं कर रहा ये, इंसर्ट चार्जर इसलिए पहले कर दिया था कि ये मोबाइल बंद हो जाता है फ़ौरन से। अभी देखें ये चार्जिंग, तो ये किसी किस्म की चार्जिंग शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर देखें ये अभी किसी किस्म की भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये चार्जर उतार के एक और दफ़ा लगाता हूँ मैं, तो ये देखें चार्जिंग शो नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर इसके वोल्टेज मेजर करते हैं हम कि इसके यहाँ पर पीछे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो DC 5 20 वोल्ट की रेंज में रखा हुआ मैंने मल्टीमीटर, और सबसे पहले चार्जिंग जैक के ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं, सॉरी फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज चेक करनी होती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर तो 5 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बैटरी टर्मिनल के ऊपर देखते हैं तो हम 4.2 वोल्ट आ रहे हैं, और वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पर इसका वोल्टेज डिवाइडर को देखते हैं 0.5 वोल्ट बन रहा है। एक साइड पे वोल्टेज डिवाइडर के 5 वोल्ट है और एक साइड पे 0.5 वोल्ट है। जो चार्जिंग शो कराता है वोल्टेज डिवाइडर वो भी बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर फॉल्ट किया, कैसे फॉल्ट बना हुआ है वो आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, ठीक है। जो मैंने रिपेयर करे फॉल्ट मैं ट्रेस कर चुका हूँ, रिपेयर कर लिया मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी कर लिया था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ये मल्टीमीटर को डायोड मोड के अंदर रखा है, ठीक है। कुछ मल्टीमीटर है जिनमें डायोड मोड और बजर मोड अलग अलग होता है और कुछ होता है जिसमें सेम होता है। मेरे पास जो मल्टीमीटर है इसमें डायोड मोड और बजर मोड सेम है, ठीक है। तो इसमें हमने बैटरी टर्मिनल की रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो ये हमने रीडिंग ली यहाँ पर, ये प्लस की रीडिंग आ रही है, ये पॉइंट ग्राउंड है और यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर किसी किस्म की रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर किसी किस्म की कोई रीडिंग, जो तीसरे नंबर का पॉइंट है हमारा बैटरी टर्मिनल प्लस माइनस, और ये वाला जो ये वाली बैटरी होती है इसमें प्लस माइनस साथ साथ होते हैं, जो दूसरी बैटरी उनका प्लस माइनस सीधा इधर होता है, और ये वाला पॉइंट जो है ये इसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको आपने कैसे रिपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मल्टीमीटर ये इसको मैं इधर घुमा रहा हूँ मोबाइल को, तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करूँगा मैं मोबाइल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ ID, ठीक है। ये होता है ID का पॉइंट, ID मतलब होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, जो आपकी चार्जिंग IC वो आपकी बैटरी है उसके अंदर की आइडेंटिफिकेशन जो है ना CPU की लाइन जाती है, ठीक है। इसे BSI लाइन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। ये लाइन आपकी डिसकनेक्ट है, अभी हमने ये करना है, मैं अभी ये कर रहा हूँ, यहाँ से जम्पर उठा लेता हूँ मैं एक, ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर रीडिंग नहीं आ रही वहाँ पर जम्पर लगाता हूँ मैं। तो दोस्तों बात यह है कि आपको जो भी वीडियो अपलोड करूँ, खासकर वो जो दोस्त हजरात जो थोड़ा सा वीक है रिपेयरिंग के अंदर, तो वो कोशिश किया करें वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। तो कोशिश ये होती है कि जो बंदा भी मेरी पूरी वीडियो देखता है कि उसको एक कम्प्लीट सोल्यूशन मिले, ठीक है, उसको अधूरा सोल्यूशन ना मिले। जब मैं वीडियोज़ का रिव्यू देखता हूँ तो एनालिसिस करता हूँ वीडियो की, तो वो अगर मेरी 20 मिनट की वीडियो है तो ज़्यादातर लोगों ने 5 मिनट की वीडियो देखी होती है स्किप कर करके। ID के पॉइंट से जंपर उठा रहा हूँ मैं, और फिर वही लोग आके इनबॉक्स के अंदर मैसेज कर रहे होते हैं कि मोबाइल है ये रिपेयर नहीं हो रहा, ये मोबाइल रिपेयर नहीं हो रहा।
जबकि सेम फॉल्ट के ऊपर मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका होता हूँ, वो वीडियो स्किप करके देखते हैं, उनको समझ नहीं आती। और जो लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखते, अल्हम्दुलिल्लाह वो मोबाइल रिपेयर करके मेरी वीडियो देख के मुझे फीडबैक देते हैं कि मुझे फीडबैक भी देते हैं कि आपकी ये वीडियो देखे हमने अपना मोबाइल रिपेयर कर लिया। अभी यहाँ पर मैंने जंपर लगा लिया आईडी के पॉइंट के ऊपर, और ये जंपर मैं लगा रहा हूँ इधर जो टर्मिनल तीसरे नंबर का टर्मिनल है जिसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, इधर लगा रहा हूँ मैं इसका जंपर, ठीक है, टर्मिनल के ऊपर। फिलहाल मैं ये रफ ही जंपर लगा रहा हूँ, वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, बाद में वो इसको क्लीन कर लेंगे हम। अभी यहाँ पर रीडिंग लेनी है, फिर दोबारा डायोड मोड के अंदर रिवर्स पर इसकी रीडिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे देखें रीडिंग आ गई है कुछ 1600 के करीब। अब हम इसको बैटरी लगाते हैं, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। बैटरी असल में इसकी काफ़ी सारी लूज़ है, ये बैटरी इस मॉडल की है नहीं, इस मॉडल की बैटरी वो शायद साथ ले गए हैं। ये ऑन हो गया अभी मोबाइल हमारा। अब मैं चार्जर लगा रहा हूँ इसको, ये चार्जर इंसर्ट कर रहा हूँ, ओ सॉरी ऑन कर लेते हैं दोबारा, बैटरी हिल जाती है जिसकी वजह से बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखें किसी किस्म की चार्जिंग इंडिकेशन नहीं आ रही, मैं दोबारा इसको चार्जर उतार के लगाता हूँ तो यहाँ पे चार्जिंग किसी किस्म की स्टार्ट नहीं हो रही। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है आपने। यही जो आईडी का पॉइंट है ना आपने वहाँ पर दिया था, इस आईडी के पॉइंट को यहाँ से मैं स्क्रैच कर रहा हूँ थोड़ा सा इसकी, क्योंकि जंपर वायर होती है ऊपर इसके इंसुलेशन लगी होती है, कोटिंग लगी होती है जो शार्ट ना हो, तो इस आईडी के पॉइंट को यहाँ से मैं ग्राउंड के साथ शार्ट कर रहा हूँ। वीडियो कहने में मैं एक थोड़ी सी इस बारे में थोड़ी सी डिटेल बात बताऊंगा कि मैं क्यों शार्ट कर रहा था, कैसे शार्ट कर रहा था, थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो आपने कंप्लीट देख लेनी है। अब मैंने आईडी के पॉइंट को और ग्राउंड को शार्ट कर दिया और यही जंपर मैंने उठा के वहाँ पर लगा दिया जहाँ पर बैटरी टर्मिनल के तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब दोबारा हम यहाँ पर लगा रहे हैं बैटरी। और उसके बाद हम ऑन करते हैं मोबाइल को और चार्जर इंसर्ट करते हैं। सॉरी ये मैंने आपको बताया कि जो है ना बैटरी हिल जाती है इसकी, बैटरी को ज़ोर से होल्ड करना पड़ेगा। तो जो बार बार बैटरी हिल रही है इसके लिए माजत करता हूँ मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे। तो अभी मैं चार्जर इंसर्ट कर, बैटरी वो साथ दे गए हैं, वो बैटरी इसके अंदर ठीक आती थी उससे सही मोबाइल ऑन होता था, ठीक है। ये बैटरी इसके अंदर फिक्स आती नहीं है, शायद साइज़ का कोई फ़र्क है या कुछ इशू है, ज़्यादा ये बड़ी है बैटरी, इसकी बैटरी थोड़ी स्लिम थी। बहरहाल जो है ना ये इसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। ऑन हो गया मोबाइल, अब मैं चार्जर लगा रहा हूँ इधर। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चार्जर स्टार्ट हो, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और इस टाइम एम्पेयर मीटर हमारा ले रहा है 65 मिली एम्पेयर, ठीक है। मैं आपको एम्पेयर मीटर भी दिखाता हूँ मोबाइल उतार के यहाँ से। ये एम्पेयर मीटर हमारा तकरीबन 55-58 मिली एम्पेयर के ऊपर हमारी चार्जिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि आप ये हमारी चार्जिंग भी सेव करेगा। इसकी आपको चार्जिंग सेक्शन भी दिखाता हूँ कि इसने चार्जिंग सेक्शन के ऊपर क्या क्या काम किए हैं। तो यहाँ पे आप और यहाँ पे आप देखें इसके अंदर ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ये इसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बाकी ये वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, इसने सारी चीज़ें ट्रांजिस्टर समेत सारा कुछ चेंज करके देख लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने अब दूसरी बात यह है कि ये इसका आईडी का पॉइंट है ये वाला, ठीक है। जूम थोड़ा ठीक करता हूँ माइक्रोस्कोप का, ठीक है। ये आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे, आईडी के पॉइंट को हमने यहाँ से किया है ग्राउंड और इसी को जंपर दिया हमने उसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन के अंदर कुछ रजिस्टर जो होती हैं वो ग्राउंड की भी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप उस पॉइंट को डायरेक्ट ग्राउंड करा देंगे तो हो सकता है आपकी चार्जिंग शो हो जाए, लेकिन कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद आपको एरर मौसूल हो जाएगा, एरर आ जाएगा आपको, ठीक है।
कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद आपको एरर आ जाएगा, चार्जिंग एरर आ जाएगा या कोई ना कोई चार्जिंग स्टॉप का जो भी एरर है या फेक चार्जिंग होगी आपकी, ठीक है। आईडी का पॉइंट साथ लगाना बहुत ज़रूरी है, बेशक के ग्राउंड कर रहे हैं तो अगर आप कोई चीज़ ग्राउंड कर देते हैं तो हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि मोबाइल के अंदर आपके पॉजिटिव सिग्नल भी होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी होते हैं और नेगेटिव फीडबैक भी होते हैं। ये आपके नेगेटिव फीडबैक है और आईडी का पॉइंट, ये जो आईडी का पॉइंट है इसी पॉइंट के साथ आपका दूसरा एनटीसी जो पॉइंट होता है जिसको नेगेटिव कोएफिशिएंट कहा जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसी पॉइंट के साथ वो कनेक्ट होता है, ठीक है। बेशक ये ग्राउंड है लेकिन ग्राउंड के साथ भी नेगेटिव के सिग्नल जाते हैं जो हमारे आईसी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो नहीं जाएगा तो आपको, अभी देखा ये सिग्नल नहीं जा रहा था हालांकि नेगेटिव का सिग्नल है, हमने इसको ग्राउंड कहा कि पावर ऐसी कोई सिग्नल दिया है तो उसके बाद हमारी चार्जिंग शो हो रही है और चार्जिंग सेव भी हो रही है, ठीक है। अगर आपका ये सिग्नल नहीं जाएगा पावर ऐसी को तो आप कितने देख लेगा हमारी चार्जिंग शो ही नहीं हो रही थी। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड दे देंगे, अगर चार्जिंग शो हो भी जाती है तो अगर आईडी का पॉइंट का सिग्नल नहीं जाएगा तो थोड़ी देर बाद आपको एरर आ जाएगा, कोई ना कोई टेम्परेचर का एरर आ जाएगा, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या आपका बैटरी स्टॉप या ओवर वोल्टेज या इस तरह का कोई भी एरर आ सकता है जो सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया होगा एरर, और बैटरी भी आपकी सेव नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह का मसला आएगा तो आपने इस तरीके से रिपेयर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।